गाइस, तो हम मैं और मेरी मम्मी आज चांदनी चौक जा रहे हैं और हम अभी मेट्रो का वेट कर रहे हैं प्लेटफॉर्म पे। और अभी शायद 2 मिनट दिखा रहा था मेट्रो आने में, हाँ एग्जैक्टली 2 मिनट्स। और फिर हम मेट्रो बोर्ड करेंगे, कश्मीरी गेट से चेंज करेंगे, चांदनी चौक पर उतरेंगे और मेरी मम्मी साइड में बोर्ड करेंगे। हम पहुंच गए हैं चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन और एग्जिट कर रहे हैं और सोचा है कि जाते टिक्की खाएंगे। ये आ गई हमारी टिक्की और वो ट्रिप कर रही है मेरे हाथ से नटराज दही भल्ला। यहाँ पे एक इयररिंग्स की शॉप है और कलीरों की भी। बहुत अच्छा। तो ये है वो शॉप जहाँ पे मैं आपको कलीरे वगैरह दिखा रही थी और काफ़ी अच्छी शॉप थी, बट मुझे मेरे मैच का मिला नहीं। तो अब मैं जो मेन काम करने आई हूँ वो करने जा रही हूँ, जो विच इज़ मुझे अपने लहंगे में लगाने के लिए लेस चाहिए। हम जा रहे हैं परांठे वाली गली जहाँ पे एक बहुत अच्छी लेस की शॉप है और मुझे वहाँ से लेस लेनी है। ये बहुत ही यम्मी चीज़ों की शॉप है जो हम आते हुए खाएंगे। ये है फेमस परांठे वाली गली की सुपर फेमस शॉप और मैं यहाँ से बहुत बार परांठे खा चुकी हूँ, तो मैं आज तो नहीं खाऊंगी, बट आप लोग देख लीजिए यहीं पे इंदिरा गांधी नेहरू जी सब लोग यहीं पर आते थे खाने, आ चुके हैं खाने। तो मैं आ गई हूँ जहाँ मुझे आना था। ये एक बहुत अच्छी लेस की शॉप है परांठे वाली गली में और मेरे पास ये लहंगा है इस फैब्रिक का और मुझे इसके साथ लेस चाहिए। तो देर आर टू मेनी ऑप्शंस और मैं वेट कर रही हूँ भैया का कि वो मुझे लेस दिखाएं। मुझे वाली चाहिए भैया। लहंगे की लेसेस कहाँ होंगी? लहंगे के लिए लेस मुझे कुछ ऐसी बड़ी बड़ी सी चाहिए, तो लेट्स मैच। तो ये है फर्स्ट ऑप्शन जो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, बट सिंस दिस इज़ जस्ट दी फर्स्ट ऑप्शन तो और देखते हैं। वैसे तो अच्छा है, इस पर वर्क थोड़ी सी फिनिशिंग कम है बट इट विल डू, कुछ और नहीं मिला तो। ये है ऑप्शन नंबर टू जो ऑप्शन नंबर वन से बेटर लग रहा है और देखते हैं। ये वाली लग जाए इसके साथ, लगा नहीं पा रही हूँ तो भैया लगा के दिखा दे। और ये और एक और मुझे समझ नहीं आ रहा, इसी का पतला ले लूं? हाँ, इसके ऊपर लगाने के लिए। हाँ, ये भी ठीक है ना भैया? भैया भैया वो बाहर से सिलेक्ट कर लीजिए, ये इसमें पतला है। अरे मुझे वो भी चाहिए। मिल जाएगा भैया कह रहे हैं, दिखा दे। ये रहे ना, ये रहे, ये तो सेम डिटो मिल जाएगा, पतला है। 1 इंच का, 1 इंच का चला। हाँ मतलब 1 इंच का मिल जाएगा। ये कितनी का है? तो मुझे दिखाओ। 6 लाख का लो, ऐसे रेट बता दुकान पे। 350 है दुकान पे, 6 लाख लगा दे। ये मुझे चाहिए, क्या चला। और ये मैंने ले लिए नान चटाई। अब हम लेंगे छोले भटूरे। तो छोले भटूरे आ गए हैं और वो दिख रहे हैं कुछ ऐसे और काफी ही सुंदर प्लेटिंग है। ये कितने का? 800।
इसको देख के ही लग रहा था। ये मेरे ब्लू लहंगे के साथ चल सकता है ना, कलर नाम है, पर 800 का है वो रेट तो लगाएंगे इसे। तो हम आ गए हैं फेमस जलेबी वाला के पास और यहाँ की जलेबी बहुत टेस्टी होती है और अब हम जलेबी खाएंगे। यहाँ पे लाइन लगी हुई है और हम लाइन में लग गए हैं। अब मैं जा रही हूँ घर, मेरा हो गया काम और अब आपको घर जाके दिखाऊंगी कि मैंने कौन सी लेस कैसे ली है। टूडल्स, तो मैं अब आ गई हूँ घर और मैंने सोचा कि मैं आपको अपनी चांदनी चौक की शॉपिंग दिखा दूँ। कुछ खास ज़्यादा है नहीं, मैंने कुछ ज़्यादा लेना ही नहीं था। तो बेसिकली कुछ साल पहले मैंने अपने कज़न ब्रदर की शादी में एक बहुत ही ब्यूटीफुल फैब्रिक का लहंगा पहना था। इट इज़ अ बनारसी फैब्रिक। मैंने तब उस टाइम पे ये नली से लिया था, अराउंड 9000 कुछ का मेरे को सिर्फ फैब्रिक पड़ा था और पूरे लहंगे की पूरी कॉस्ट अलग थी। तो व्हाट आई मीन टू से इज़ कि इट इज़ अ वेरी स्पेशल पीस, अ कलेक्शन पीस। मैंने वो जो मार्केट में मास प्रोडक्शन वाले बनारसी लुक वाले लहंगे थे मैंने वो नहीं लिए थे, मैंने प्रॉपर बनारसी कपड़ा लिया था फॉर दैट लहंगा। तो मुझे अब मैंने जब वो लिया था तो आई वॉज 23 और वो लहंगा अपने आप में बहुत हैवी था फॉर दैट एज। नाउ आई एम 27 और मैंने तभी सोच लिया था कि मैं लेटर इन लाइफ जब भी इस लहंगे को नेक्स्ट टाइम पहनूंगी मैं इसको हैवी करके विद अ ब्रॉड बॉर्डर पहनूंगी। तो मैंने अब मैं गई थी चांदनी चौक उसके लिए बॉर्डर्स लेने के लिए, लेसेस लेने के लिए, और वो मैं आपको अब दिखाती हूँ। तो बेसिकली ये है वो फैब्रिक जिसका मेरा लहंगा है। एक्चुअल लहंगा तो अभी मेरी बुटीक पे है, मतलब मेरी बुटीक वाली के पास है और ये है एक्चुअल लहंगे का फैब्रिक और ये है पहली लेस। तो ये ना मेरे को एक लुक था, पता नहीं टिश्यू टाइप बनारसी उसमें आता है, जरी टाइप में, मतलब ऐसा लुक देता है ये जो मैंने ऑनलाइन देखा था। ये एग्जैक्टली वो नहीं है जो मैंने ऑनलाइन देखा था, वो टिश्यू बनारसी टाइप विच आई मेंशन, बट इट इज़ क्लोज इनफ। तो मेरे को ये चाहिए था और मुझे बाई चांस मिल गया एंड आई एम हैप्पी कि मुझे मिल गया। आई डोंट नो कितना अच्छा आ रहा है वीडियो में, बट यार दिस इज़ द फर्स्ट बॉर्डर एंड द नेक्स्ट वन दैट आई हैव इज़ दिस वन। तो ये मैंने सोचा कि मैं इसको बीच में लगाऊंगी टू ऐड सम यू नो लेयर, बिकॉज इसमें नीचे से बनारसी कपड़ा दिखेगा एंड ये इसको भी एनहेंस कर रहा है। और थर्ड लेस जो है मेरे पास वो भी ये जो ब्रॉड वाली है उससे सिमिलर ही है। तो बेसिकली इट लुक्स लाइक दिस एंड मतलब सिमिलर क्या है, सेम है, बस पतली है, लाइक इन विड्थ इट्स लाइक थिनर, नॉट एज ब्रॉड एज द वन हियर। तो ये मेरी लगेगी यहाँ, तो ये मेरा लहंगे का बॉर्डर हो जाएगा एंड आई थिंक इट्स लुकिंग गुड। आई होप आपको भी अच्छा लग रहा हो। लाइटिंग अभी थोड़ी वीक है तो, और ये टेप इस लेस की पैकिंग का है जो अच्छा नहीं लग रहा है। या सो लाइटिंग अभी थोड़ी वीक है बट ये कुछ ऐसा लगेगा बन के एंड आई एम थिंकिंग अच्छा लगेगा। इतना ब्रॉड नहीं हो पाया जितना मैं चाह रही थी बट आई थिंक आई डोंट नीड इट दैट ब्रॉड ऑल्सो। कभी कभी थोड़ी मैं एक्स्ट्रावेगेंट हो जाती हूँ इन माई थाट्स। तो ये है मेरा फर्स्ट थिंग ऑफ द जयपुर कह रही हूँ, मैं अभी रिसेंटली जयपुर गई थी इसलिए जयपुर ही है मेरे दिमाग में, ऑफ द चांदनी चौक शॉपिंग हॉल यू कैन से। एंड द नेक्स्ट इज दिस थिंग कॉल्ड किरण। और ये जो किरण है ये आजकल बहुत ज़्यादा चल रही है ऑनलाइन भी और सब लोग इसको लगा रहे हैं एंड मुझे बहुत टाइम से शौक था, मुझे मौका ही नहीं मिल रहा था। लाइक मुझे ये चीज़ बहुत पहले से पसंद है, इवन बिफोर इट वेंट सॉर्ट ऑफ वायरल एंड इट्स क्लासिक। एक्चुअली मेरी मम्मी कहती थी कि ये तो बहुत पहले से है और तुम लोगों को भी ये नया, मतलब तुझे क्यों लग रहा है ये तो आउटडेटेड हो गया है, बट इट्स इन नाउ। तो ये मैं इसके दुपट्टे के लिए लाई हूँ जो अभी मेरे पास नहीं है, बट हाँ मैं जब ये सब लग जाएगा तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। सो दिस इज़ माय लेस हॉल 1, 2, 3, 4, दिस वन फॉर दुपट्टा एंड नाउ आई विल शो यू। मेरे को थोड़े झुमके भी लेने थे, मतलब मुझे शौक भी है और मुझे अच्छे भी लग गए वहाँ पे। तो द फर्स्ट वन इज़ दिस। ये मुझे अराउंड ये लेसेस मैं बताना भूल गई, सारी लेसेस मुझे मिलके 1800 की पड़ी हैं, तो नॉट अ बैड डील आई वुड से।
सो दिस इज द फर्स्ट झुमका. आई रियली रियली लव्ड इट. मुझे बहुत अच्छा लगा था और मैंने इसे ले लिया. और बट मैंने रियलाइज़ किया बड़ा एटीट्यूड था उस शॉपकीपर में जो मुझे दे रहे थे. बट मुझे पसंद आ गया तो मैंने सोचा अब इतनी भी क्या ईगो रखूँ, तो मैंने ये ले लिया. एंड ये 450 का है. नॉट बैड आई वुड से. आई रियली लाइक्ड इट. और ये मेरे एक सूट से बिल्कुल मैच करेगा ग्रीन कलर के, तो दैट्स अ प्लस. मतलब ये देखते ही मुझे मेरा वो सूट याद आया, तो मैंने सोचा ये तो मुझे चाहिए. ठीक है. एंड द नेक्स्ट वन, ये मैंने फॉर कलर ब्लॉकिंग इस लहंगे के साथ पहनने के लिए लिया है. वैसे इनिशियली जब मैंने ये लहंगा पहना था तब मैंने ब्लू ही लिया था, छोटा झुमका था वो. मैंने सोचा मैं थोड़ा कलर ब्लॉकिंग मोड में से पहनूंगी, तो मैं ये बड़ा सा झुमका पहनूंगी मरून. मरून इस क्लासिक तो सबके साथ जाएगा और कलर ब्लॉकिंग का कलर ब्लॉकिंग भी हो जाएगा. बिकॉज दिस एंटायर लहंगा इज मोनोटोन, लाइक इट ओनली हैज ब्लू अपार्ट फ्रॉम लाइक गोल्डन. सो गोल्डन इज मोर लाइक अ टोन, नॉट अ कलर कलर. सो या दिस वुड एड कलर टू माई ब्लू लहंगा विच विल लुक लाइक दिस. शेडो आ रही है लाइक दिस. एंड एक थर्ड झुमका है जो मैंने एक्सीडेंटली ले लिया था. तो बेसिकली ये झुमका भी बहुत सुंदर है और ये भी मैंने इसके हिसाब से सोच के लिया था, बट ये इतना जम नहीं रहा था. प्लस हुआ क्या ना, मैं जब ये वाले शॉपकीपर के पास गई और मुझे ये यहाँ वहाँ पे ये दोनों पसंद आ गए, ये वाले ये दोनों मुझे जब पसंद आए तो मुझे लगा, तो उन्होंने ना बोला कि बार्गेन तो नहीं होगा, आप गलत जगह पे खड़े हो. तो मेरे को ना थोड़ा सा उनके एटीट्यूड से इशू हो गया. मैंने कहा मैंने ले दी ठीक है, बट मुझे ये पसंद आ गए थे. फिर मैं नेक्स्ट शॉप पे गई तो मेरे को ये दिखा. मैंने कहा हाँ ठीक है मैं यहाँ से ले लूँगी, कलर ब्लॉकिंग तो इससे हो जाएगी. मैंने ये ख़रीद ली है 450 के. कोई बहुत सस्ते नहीं थे एज सच, कि मतलब आप स्ट्रीट शॉपिंग कर रहे हो तो मैंने ख़रीद लिए. बट फिर भी मेरा मन इन पे अटका रहा, तो फिर मैंने ये भी ले लिए. तो ये बेसिकली एक्स्ट्रा आ गया और ये गलती से मेरी मम्मी से भीड़ में गिर भी गया, तो इसका एक मोती टूट गया था. फिर मैं वापस शॉप पे गई, उनसे मैंने फिक्स करवाया. एंड या सो दिस इज़ द स्टोरी बिहाइंड दिस एक्स्ट्रा झुमका. बट जब मैं घर आई तो मैंने अपने सारे कपड़े निकाल के देखे जो भी मेरे अभी रिसेंटली बुटीक से आए हैं. तो ये मेरा एक सूट है येलो कलर का, सॉर्ट ऑफ ब्रोकेड लुक में है ये. दिल्ली हाट में बहुत मिलते हैं ये, बट आई स्टिल लव इट. और ये उसका पैंट है. तो व्हाट आई रियलाइज वाज कि ये ना इसके साथ भी अच्छा लग रहा है, बहुत पॉप आउट हो रहा है. तो बेसिकली आई हैव अ यूज़ फॉर दिस. लाइक यूज़ तो वैसे भी हो जाता है, बट एक एब्सोल्यूटली इमिजिएट वाला मेरे को दिख गया कि ये इसके साथ बहुत अच्छा लगेगा. एंड दैट्स इट, दैट्स माई चांदनी चौक हॉल. एंड हियर एंड्स माई चांदनी चौक व्लॉग. तो एक बात मैं आपको बताना भूल गई थी, मैंने आपको इस वाले का और इस वाले का प्राइस बता दिया था, विच वॉज 450 ईच. और मैं ये भी बताना भूल गई कि मैं जब इस वाले लाइक सड़ू शॉपकीपर के पास वापस गई तो मैंने बार्गेन नहीं किया. मैंने कहा आप दे दो. एंड ही वॉज लाइक कम नहीं होगा. मैंने कहा भैया नहीं करवाना कम, आप दो ना यार, है बेइज्जती सी क्यों कर रहे हो. फिर हाँ, सो दिस इज फॉर 800 रुपीज़ एंड इट्स वेरी गुड एक्चुअली. और मिलते हैं ऐसे लाइक ऐसे स्टोन्स वाले, और वो शायद महंगे ही होते हैं, बट मुझे ये अच्छा लगा और वर्थ लगा. एंड ही काइंड ऑफ मेंशनड अ वैलिड पॉइंट कि हयात में उनकी कोई एग्जीबिशन लगी है जहाँ पे ये 1500 के वो सेल करते हैं. और ऐसा होता है, लाइक मैं कुछ एग्जीबिशन में जाती हूँ और मैं ऐसी चीज़ें देखती हूँ और 1500 ऐसा कुछ प्राइस सा मेरे को वो लोग बताते हैं, तो मुझे वो वर्थ इट नहीं लगता इन द सेंस. बिकॉज मैं ऐसी जगह लाइक बिकॉज आई नो कि स्ट्रीट शॉपिंग में भी ये चीज़ें मिल जाती हैं फॉर मच लेस. एंड दैट भैया प्रूव्ड इट, लाइक ही सेड इट हिमसेल्फ. तो बेसिकली दिस इज फॉर 800, दिस वन इज फॉर 450 एंड दिस वन इज फॉर 450. द लेसेस आर फॉर 1800 इंक्लूडिंग द दुपट्टाज लेस. एंड फूड का प्राइस तो मैं आपको क्या ही बताऊँ. चांदनी चौक में मैंने बहुत कुछ खाया एंड इट वॉज वन. Here ends my चांदनी चौक vlog and I hope आपको सब कुछ अच्छा लगा हो. और मिलते हैं next video में. Bye bye.